गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास का सामाजिक विज्ञान का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसका लेसन 3rd है, वो करेंगे। लेसन 3rd है राज्य शासन कैसे काम करता है। लेक्चर नंबर है वो हमारा रहेगा 19। जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है, इसका 1st और 2nd लेसन है वो हम कम्प्लीट कर चुके हैं। आज हम 3rd लेसन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, राज्य शासन कैसे काम करता है। स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में 6th क्लास में हमने अध्ययन किया था कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। इनकी सरकार है वो 3 स्तरों पर काम करती है, जैसे स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। स्थानीय स्तर यानि कि पंचायती स्तर, पंचायती राज व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, इसका जो विस्तृत अध्ययन है वो हम पिछले वर्ष ही कर चुके हैं। उसके बाद राज्य स्तर पर सरकार कैसे काम करती है, उसके बाद है केंद्र स्तर पर सरकार है वो कैसे काम करती है। जो लेसन 3rd है, आज हम इन 3 स्तरों में से राज्य स्तर का अध्ययन करेंगे कि राज्य स्तर पर है सरकार है, उसका चुनाव कैसे होता है, कैसे वो काम करती है, ये सब। देखिए, विधायक कौन होता है। विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा कि विधायक किसे कहते हैं। विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं। विधायक को क्या कहा जाता है, MLA, MLA के नाम से भी जानते हैं। MLA की फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली इनकी विधानसभा का सदस्य है। MLA की फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कि MLA है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं MLA। MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए पहला क्वेश्चन है कि विधायक किसे कहते हैं, विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं। फिर MLA की फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, MLA का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। कि जनता MLA का चुनाव करती है, जनता वोट डाल के किसको चुनती है, विधायक को, MLA को चुनती है। और वे विधानसभा के सदस्य इनकी मेंबर होते हैं और सरकार बनाते हैं। MLA जिसकी संख्या अधिक होती है उसी पार्टी की सरकार है वो बनती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। कि हर राज्य में विधानसभा है और हर राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है वो अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश कितने में बटा हुआ है, 68। इनकी हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 68 हैं। इसी तरह से हरियाणा 90 विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। इनकी हरियाणा में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, 90 हैं। तो निर्वाचन क्षेत्र भी कितने हैं, 90 हैं। यानी कि निर्वाचन क्षेत्र हम किसको कहेंगे, वो विशेष क्षेत्र जो चुनाव की दृष्टि से चुने जाते हैं। पूरे राज्य को हम चुनाव की दृष्टि से जिन क्षेत्रों में बांट देते हैं चुनाव के उद्देश्य से, तो वो निर्वाचन क्षेत्र कहलाते हैं। उसके बाद है हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। यानी कि जितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे उसी से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। जैसे हरियाणा में 90 सीटें हैं तो कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे, 90 प्रतिनिधि चुने जाएंगे। यानी कि 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं, 90 प्रतिनिधि। 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं तो 68 प्रतिनिधि। कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा जो विधानसभा का सदस्य अर्थात विधायक बन जाएगा। अब जो चुना जाएगा, जिसका चुनाव होगा, जो विजयी होगा वो क्या कहलाएगा, उसे हम विधानसभा का सदस्य कहेंगे। यानी कि क्या कहेंगे, विधायक या MLA। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं जिन्हें राजनीतिक दल कहते हैं। अब चुनाव में अलग अलग पार्टियों जैसे कि BJP, कांग्रेस, इस तरह से अलग अलग पार्टियों के नाम से चुनाव हैं वो लड़े जाते हैं। इन पार्टियों को क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे एक राजनीतिक दल कांग्रेस है, एक राजनीतिक दल है BJP है, भारतीय जनता पार्टी। ये तो इस तरह से जो ये अलग अलग पार्टियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, किसे कहेंगे। कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, उन पार्टियों को क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। फिर जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। यानी कि जैसे दो पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है एक BJP है,
जिसकी में विधायक अधिक जीतेंगे, आधे से अधिक जीत जाते हैं, जैसे कि 90 सीटें हैं, 90 में से आधे से अधिक, इनकी 45 में तो आधे हो गए, उसके बाद इनकी 46 जिसके पास हैं उसके पास क्या हो जाएगा, बहुमत माना जाएगा। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहा जाता है। अब जिसका बहुमत है इनकी, जिसके पास ज्यादा सीटें हैं, उस पार्टी को क्या कहेंगे, जैसे एक कांग्रेस है एक बीजेपी है, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी है उसके पास ज्यादा सीटें हैं, कांग्रेस के पास है कम सीटें हैं, तो जो बीजेपी है उसको हम क्या कहेंगे, राजनीतिक दल को, वो सत्ता पक्ष कहलाएगा, और अन्य दलों को क्या कहेंगे, विरोधी पक्ष कहेंगे। अन्य इनकी जो जीत जाता है, जिसके पास बहुमत होता है, वो तो क्या कौन क्या कहलाता है, सत्ता पक्ष। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, सत्ता पक्ष किसे कहेंगे, बहुमत प्राप्त करने वाली जो पार्टी है, बहुमत प्राप्त करने वाला जो राजनीतिक दल है उसको क्या कहेंगे, हम सत्ता पक्ष कहेंगे। और विरोधी दल या विपक्षी पक्ष किसे कहेंगे, जो अन्य जो दल होते हैं, जैसे निर्दलीय है या फिर दूसरे जो जीते नहीं, जो बहुमत जिनके पास है उसको छोड़ के बाकी जितने भी दल हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, विरोधी पक्ष कहलाएंगे। उदाहरण के लिए हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, बहुमत प्राप्त करने के लिए 40 सीटों की आवश्यकता होगी, यानी कि दो पार्टियां हैं, 45-45 में तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दो पार्टियां हैं तो जिसके पास 46 40 सीटें होंगी, कितनी भी पार्टियां हों जिसके पास 40 सीटें होंगी उसी का क्या हो जाएगा, बहुमत हो जाएगा। उसके बाद है चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, कि सत्ता पक्ष जिस पार्टी की सत्ता आ गई उसके बाद वो क्या करेंगे, जो भी विधायक हैं उसके 46-47 जितने भी हैं वो अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है, जिस भी नेता का वो चुनाव करते हैं वो किसका पद मिलता है, उसको मुख्यमंत्री का पद मिलता है। इसके बाद मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्तियां मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, राज्यपाल। उसके बाद है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के कार्यकाल है वो अलग अलग होते हैं, कार्यालय है वो अलग अलग होते हैं, इनके अलग अलग कार्यालय होंगे, ऑफिस अलग अलग होंगे। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक यानी कि जो भी एमएलए हैं हमने जो चुने हैं वो, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, यानी कि चाहे वो जीती हुई पार्टी के हों या हारी हुई पार्टी के, सत्ता दल के हों या फिर विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं, यानी कि विधानसभा में वो सारे विधायक शामिल होते हैं, 90 के 90, यानी कि 90 सीटें हैं तो विधायक का कितने हो गए, 90। उसमें कुछ बहुमत दल के भी होते हैं और कुछ विरोधी दल के भी होते हैं। तो विधानसभा वो स्थान है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों चाहे वो विरोधी दल के हों, विभिन्न विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं, चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, विधानसभा किसे कहते हैं, तो उस ऐसे स्थान होता है विधानसभा जहाँ विधायक, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों चाहे वो विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं, एकत्रित यानि इकट्ठे होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, विधानसभा कहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमने इसके बारे में अध्ययन किया, विधायक, विधानसभा, राजनीतिक दल, बहुमत वाली जो पार्टी होती है वो, मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करता है, ये सब। हरियाणा में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, 90 सीटें हैं, जैसे बहुमत वाली पार्टी को क्या कहते हैं, सत्ता पक्ष कहते हैं, अन्य दलों को क्या कहते हैं, विरोधी दल कहते हैं, चुनाव में अलग अलग पार्टियों के नाम से जो लोग खड़े होते हैं तो उन पार्टियों को क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ये सब। विधायक किसे कहेंगे, विधानसभा में चुने हुए सदस्यों को विधायक कहेंगे। इसी के साथ ही आपका जो होमवर्क है वो क्या रहेगा, जो आपको फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करना है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, शासन कितने स्तरों पर कार्य करता है, नाम बताओ, शासन कितने स्तरों पर कार्य करता है, शासन 3 स्तरों पर कार्य करता है, कौन कौन से, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। सेकंड है, विधानसभा किसे कहते हैं, विधानसभा ऐसा स्थान है जहां सभी राजनीतिक दलों के, चाहे वो सत्ताधारी दल हो चाहे वो विरोधी दल हो, उसके विधायक एकत्रित होते हैं और चर्चा करते हैं। विधायक किसे कहते हैं, विधानसभा में चुने हुए सदस्यों को विधायक कहते हैं। एमएलए की फुल फॉर्म क्या है,
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता द्वारा। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? चुनाव में लोग विभिन्न विभिन्न पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, उन पार्टियों को क्या कहते हैं? राजनीतिक दल। उसके बाद सत्ता दल और विरोधी दल किसे कहते हैं? सत्ता दल किसे कहेंगे? बहुमत वाला जो दल है उसको हम सत्ता दल कहेंगे, अन्य जो दल है उनको विरोधी दल कहेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? चुनाव के उद्देश्य से राज्य को कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये 10 क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करने हैं।